सुप्रभात मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे हो और सुरक्षित भी हो। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए। बच्चों, आप लोग रोहिणी हिंदी व्याकरण अध्याय एक पेज नंबर 8 निकालिए। ओके, देखिए यहाँ लिखा है सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब लोग हर कोई बुक को लेके बैठिए। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा। ठीक है बच्चों, क ख ग घ, उसका उत्तर मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, उत्तर भाषा। ठीक है, भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भाषा की पूरी समझ हमें आता है किससे? बोलिए तो, अंग्रेजी से, लिपि से, व्याकरण से। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ उत्तर बता दे रही हूँ। इसके बाद नंबर 2, देखिए सही कथन पर राइट तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए क से अंग तक है। नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे, नंबर 2 पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है, ये गलत। ख गुजरात में पंजाबी भाषा बोली जाती है, ये गलत। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, ये राइट, मतलब सटीक है, सही है। देखिए घ, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित रूप, इसीलिए इसको राइट। संसार के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं एक ही भाषा नहीं, ये गलत है। नंबर 3, आप लोग बुक देखिए, कॉपी किताब को रखिए। 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। देखिए रोमन 14 सितंबर बोलकर लिखित व्याकरण 5 क से अंग तक। देखिए उत्तर, नंबर 3 का उत्तर है का हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ख लिखकर विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ग हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। घ हर भाषा के नियम उसके व्याकरण द्वारा समझे जा सकते हैं। अंग अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 का उत्तर, देखिए नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं क ख ग घ। उत्तर, पहला प्रश्न, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ख
उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर मनाया जाता है। ठीक है, हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, अभी 5 नंबर के प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क ख ग, पहला क, भाषा किसे कहते हैं? किसके इसके प्रकार लिखिए, मतलब भेद लिखिए। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ख, लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न ख का, किन्हीं दो लिपियों के नाम लिखिए। भाषा के लिखित लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। लिखने का जो ढंग है उसी को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नंबर 5, नंबर 5 का ग प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि पूरा यहाँ तक मैं पेज A9 तक करा चुकी अभी तक। तो इसके बाद जो है रचनात्मक कौशल, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और रोहिणी हिंदी व्याकरण जो है आप लोग देख रहे होंगे अभ्यास पुस्तिका, इसका पेज 3 और 4 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो बच्चों, आप लोग अच्छा से जितना मैं अभी प्रश्न का उत्तर और व्याकरण जो मैं अभी कराई हूँ, ये सब आप लोग अच्छा से अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों।